Subscribe to Madis English channel and press the bell icon for the latest video updations. Hello friends, welcome back to Madis English. Friends, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं while के यूज के बारे में. मेनली while को दो तरह से यूज किया जाता है. पहला तो एज अ कंजंक्शन से यूज किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, और दूसरा ऐसे यूज किया जाता है जब भी आप दो काम एक साथ करते हैं. मतलब एक ही पर्सन जब दो काम एक साथ करता है उस सेंस में यूज किया जाता है while का. मान लीजिए आप एक कुक हैं और आप प्याज काट रहे हैं प्लस वेजिटेबल्स को भी सॉटे कर रहे हैं साथ ही साथ, तब आप दो एक्टिविटीज एक साथ कर रहे हैं. या फिर आप टीवी भी देख रहे हैं खाना भी खा रहे हैं, दो एक्टिविटी एक साथ हो रही है, उस सेंस में यूज किया जाता है सेंटेंस के बीच में वाइल का. देख लेते हैं इसके सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है और क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या वर्ड इसके एंडिंग में आते हैं, जैसे करते करते, करते हुए या फिर करते वक्त, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे. देख लेते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस. आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वाइल के यूज आप बहुत ही बार अपनी डेली लाइफ में कहते होंगे. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ मजेदार वोकैबुलरी में आज भी यूज करने की कोशिश करूंगा. तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वॉचिंग मैडिस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, वाइल को याद रखने की बेहतरीन सी कंडीशन बताता हूँ. सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आप जो काम कर रहे हैं, दो काम एक साथ कर रहे हैं, वो भी कंप्लीट नहीं हुए, काम चल रहा है. मतलब कि वाइल के साथ में लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि काम अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है. यह कंडीशन होती है वाइल की. इससे हमें ये आसानी हो जाती है कि वाइल को हम शुरू में भी लगा सकते हैं और सेंटेंस के बाद भी लगा सकते हैं. मतलब कि वाइल में दो कंडीशन होगी, जो आपका पहला सेंटेंस बनता है वो टेंस के अकॉर्डिंग बनता है, या फिर अगर आप मॉडल में बना रहे हैं मॉडल के अकॉर्डिंग बनेगा, और दूसरा सेंटेंस बनता है वाइल के अकॉर्डिंग. तो वाइल जब भी यूज करेंगे उसके साथ में लगेगा वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. जहां भी करते वक्त वाला सेंटेंस होगा वहां लगेगा वाइल और उसके साथ में लगेगा वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा. तो वाइल का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है. अगर आपको वाइल के सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप दो तरह से इसके सेंटेंस बना सकते हैं. पहला तरीका तो जो आपके स्क्रीन के सामने है, या तो आप टेंस को पहले ले लीजिए उसके बाद में वाइल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लीजिए, या फिर वाइल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी पहले ले लीजिए और टेंस को बाद में बनाइए. ये दो तरीके होते हैं वाइल के सेंटेंसेस को बनाने के. देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा. तो वाइल का सबसे पहला सेंटेंस है, मैं बाइक चलाते वक्त फोन पर भी बात कर सकता हूं. अब यहां पर दो कंडीशन है. पहला सेंटेंस तो है बाइक चलाते वक्त, मतलब कि यहां पर लगेगा वाइल, क्योंकि चलाते वक्त जो आ रहा है वो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आ रहा है, और फोन पर भी बात कर सकता हूं ये दूसरा सेंटेंस है जो कि बनेगा टेंस के अकॉर्डिंग. तो इसका इंग्लिश होगा व्हाइल राइडिंग अ बाइक आई कैन टॉक ऑन फोन एज वेल. या फिर इसे आप एक और तरीके से बना सकते हैं, वाइल को बाद में ले लीजिए तो इसका इंग्लिश होगा आई कैन टॉक ऑन फोन एज वेल वाइल राइडिंग अ बाइक. इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, मतलब कि वाइल को पहले यूज कीजिए या बाद में यूज कीजिए, दोनों ही एक प्रॉपर यूज के तहत आप यूज कर सकते हैं. देख लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस. जैसे वह बात करते समय हकलाता है, इसका इंग्लिश होगा ही स्टैमर्स वाइल टॉकिंग. यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हमने स्टेमर के साथ में एस लगाया है. यहां पर स्टेमर का मतलब होता है हकलाना. अगला सेंटेंस है तुम टीवी देखते देखते होमवर्क मत करो, इसका इंग्लिश होगा डोंट डू होमवर्क वाइल वॉचिंग टीवी, या फिर वाइल वॉचिंग टीवी डोंट डू होमवर्क. इस तरह से भी यूज किया जाता है इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस को. अगला सेंटेंस है कल मैं यह बुक पढ़ते पढ़ते सो गया, सेंटेंस है पास्ट का, तो इसका इंग्लिश होगा यस्टरडे आई स्लेप्ट व्हाइल रीडिंग दिस बुक. अगला सेंटेंस है कल मुझे कमरा साफ करते हुए तुम्हारा फोन मिला, इसका इंग्लिश होगा आई
फाउंड योर फोन वाइल क्लीनिंग द रूम, या फिर वाइल क्लीनिंग द रूम आई फाउंड योर फोन। अगला सेंटेंस है, पूजा करते वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए। इसका इंग्लिश होगा, वी शुड नॉट स्पीक वाइल वर्शिपिंग, या फिर वाइल वर्शिपिंग वी शुड नॉट स्पीक। अगला सेंटेंस है, वह अचानक बोलते बोलते चुप हो गया। इसका इंग्लिश होगा, ही सडनली गॉट साइलेंट वाइल स्पीकिंग। अगला सेंटेंस है, मुझे आज ऑफिस जाते जाते बिजली का बिल भरना है। इसका इंग्लिश होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, आई एम सपोज टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल वाइल गोइंग टू ऑफिस, या फिर वाइल गोइंग टू ऑफिस आई एम सपोज टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में वाइल का। अगला सेंटेंस थोड़ा सा मजेदार है, सेंटेंस आपके स्क्रीन के सामने है, मैं कोचिंग आते वक्त पैसे लाना भूल गया। इसका इंग्लिश होगा, आई फॉरगॉट टू गेट मनी, या फिर आई फॉरगॉट टू ब्रिंग मनी व्हाइल कमिंग कोचिंग, या फिर व्हाइल कमिंग कोचिंग आई फॉरगॉट टू गेट मनी। आज का आखिरी सेंटेंस है, हमें बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद करना चाहिए। इसका इंग्लिश होगा, वी मस्ट शट द डोर वाइल गोइंग आउटसाइड, या फिर वाइल गोइंग आउटसाइड वी मस्ट शट द डोर। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वाइल के बहुत सारे यूजर्स आप यूज करते होंगे हिंदी में, लेकिन आप उन्हें अब कह पाएंगे इंग्लिश में भी, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर अब पता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर कंटिन्यू किया है, जो कि अब मैं ऐसा ही कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल सिंपल टॉपिक्स मैं पहले कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे हार्ड टॉपिक्स की, क्योंकि सबसे पहले बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में हम जा सकते हैं एडवांस की तरफ। तब से बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे, उसके बाद में बात करेंगे एडवांस टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे एवरीडे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले लेसन में, जिसमें कि हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। मेनली ये कमेंट था, जो कि सिंपल ही है, कंडीशनल सेंटेंस ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ट्रिक है उन सेंटेंसेस को याद रखने के लिए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले लेसन में एक और मजेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।